नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। टाइडल बल्जेस के बारे में हमने बात की, टाइड जनरेटिंग फोर्स के बारे में हमने बात की, सेंट्रल फ्यूगल फोर्स के बारे में हमने बात की। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग जगहों पे जो टाइड्स आती हैं उनके फीचर्स क्या क्या हैं, उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, और अलग अलग जगहों पर टाइड्स किस किस प्रकार से आती हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक स्टेटमेंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली वैसे आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको समझाता हूँ। ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ द हॉरिजॉन्टल टाइड जनरेटिंग फोर्सेस आर मोर इंपॉर्टेंट देन द वर्टिकल फोर्सेस इन जनरेटिंग द टाइडल बल्ज। अब ये इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। क्या मतलब है इसका कि भाई ऑन द सर्फेस द हॉरिजॉन्टल टाइड जनरेटिंग फोर्सेज आर मोर इंपॉर्टेंट देन द वर्टिकल फोर्स इन जनरेटिंग द टाइडल बल्ज। सबसे पहले आप समझिए वर्टिकल फोर्स क्या है टाइडल बल्ज को जनरेट करने के लिए। तो समझिए, सन का गुरुत्व तत्व पड़ा, ग्रेविटेशन पड़ा, और मून का ग्रेविटेशन पड़ा, और सन और मून के ग्रेविटेशन के चलते आपकी टाइड्स आई। ये तो हो गया वर्टिकल फोर्स। लेकिन हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है, टाइड्स को जनरेट करने का हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है, और टाइड को जनरेट करने का अगर आपको हॉरिजॉन्टल फोर्स समझना है तो जो सबसे बेस्ट तरीका है इसको समझने का वो आप एक काम करो, आप देख लो टाइड्स ऑफ द बे ऑफ फंडी कैनेडा। टाइड्स ऑफ द बे ऑफ फंडी कैनेडा, इसके बारे में यहाँ पे एनसीईआरटी में भी दे रखा है। ये काफी जानी मानी टूरिस्टिक डेस्टिनेशन है, लेकिन बहुत सोच समझ के वहां पे जाया जाता है क्योंकि टाइड्स का बहुत इंटेंस इफेक्ट है वहां पे। क्या बोला जा रहा है, द हाई टाइड्स इन द वर्ल्ड अकर इन द बे ऑफ फंडी इन नोवा स्कोशिया कनाडा। द टाइडल बल्ज इज 15 टू 16 मीटर्स बिकॉज देर आर टू हाई टाइड्स इन टू लो टाइड्स एवरी डे रफलिंग अ 24 आवर पीरियड। देन द टाइड मस्ट कम इन विद इन अबाउट अ 6 आवर पीरियड। एज अ रफ एस्टिमेट द टाइड राइजेज अबाउट 240 सेंटीमीटर एन आवर, 1440 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 6 आवर्स। इफ यू हैव वॉक डाउन अ बीच विद अ स्टीफ क्लिफ अलॉन्ग साइड विच इज कॉमन देयर, मेक श्योर यू वॉच द टाइड्स। इफ यू वॉक फॉर अबाउट एन आवर एंड देन नोटिस दैट द टाइड इज कमिंग इन, द वॉटर विल बी ओवर योर हैड बिफोर यू स्टार्ट बैक टू वेयर यू स्टार्टेड। क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, देखिए समझिए, इफ यू वॉकड डाउन अ बीच विद अ स्टीप क्लिफ अलॉन्ग साइड विच इज कॉमन देयर, मेक श्योर यू वॉच द टाइड्स। इसको यहां पर समझने की कोशिश करते हैं डायग्राम में। ये आपको यहां पर नजर आ रहा है बे ऑफ फंडी, ये है आपका बे ऑफ फंडी, ठीक है भाई। अब ये बे ऑफ फंडी में इस प्रकार का एक फनल टाइप का आपको शेप दिख रहा है जिसमें आपका पानी घुसता है। अब जब यहां पर पानी घुसेगा, जैसे जैसे पानी आएगा वैसे वैसे जो फनल शेप है ये सकरा होता जा रहा है, जैसे जैसे फनल शेप है सकरा होता जा रहा है। अब पानी जब एंट्री मार रहा है तो इसकी आप ब्रेथ देखिए, इतनी ब्रेथ से पानी एंट्री मार रहा है, लेकिन जैसे जैसे पानी अंदर चलता जाएगा वैसे वैसे पानी के लिए जो जगह है वो कम होती जाएगी, पानी के लिए जो जगह है वो कम होती जाएगी। अब आप पॉइंट को समझो, यहां पे बहुत सारे लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं, ठीक है, और घूमने फिरने के लिए चारों तरफ से आते हैं, ठीक है ना। कोई हो सकता है कि यूएसए के इस साइड से घूमने आ रहा हो, कोई कैनेडा के यहां से घूमने आ रहा हो, कोई नोवा स्कोशिया से घूमने आ रहा हो, कोई यहां से घूमने आ रहा हो, कहीं से भी आप घूमने आ सकते हो, ठीक है भाई। तो होगा ये कि पहले चौड़ाई से पानी अंदर घुसा तो ज्यादा वॉल्यूम का पानी अंदर घुसा, जैसे जैसे वो पानी आगे गया उसको रास्ता सकरा मिला, जब रास्ता सकरा मिला तो वो चौड़ाई में नहीं फैल सकता, तो वो घुसा चौड़ाई में था लेकिन आगे रास्ता सकरा हो गया, आगे रास्ता सकरा हो गया तो पानी अपने जगह कैसे बनाएगा, पानी अपनी हाइट बढ़ा लेगा, और ये जो हाइट बढ़ेगी ना ये 15 से 16 मीटर बढ़ जाएगी। अब आपको मेरा यहां पे ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। क्या पॉइंट मैंने बताया है? कि ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ द हॉरिजॉन्टल टाइड जनरेटिंग फोर्सेस आर मोर इंपॉर्टेंट। यहां पे नोवा स्कोशिया वाले एग्जांपल में हॉरिजॉन्टल टाइड जनरेटिंग फोर्स क्या है, हॉरिजॉन्टल टाइड जनरेटिंग फोर्स है ये फनल शेप्ड लैंडमास। ये जो फनल शेप्ड लैंडमास है ये क्या कर रहा है, पानी ज्यादा क्वांटिटी में इस पर्टिकुलर गैप से अंदर एंट्री मार रहा है, जैसे जैसे पानी आगे जा रहा है उसको चौड़ाई कम मिल रही, चौड़ाई कम होती जा रही, चौड़ाई कम होने की वजह से पानी की जो लेवल है वो ऊपर उठता जा रहा है। तो पानी का लेवल ऊपर उठता जा रहा है और पानी के लेवल को ऊपर उठने को ही आप टाइड बोलते हो। तो समझ गए ना यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस क्या है। वर्टिकल फोर्सेस तो सन और मून है जो कि आपका अंतरिक्ष में है, लेकिन हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हमारे पृथ्वी पे एग्जिस्ट करने वाला लैंड मास है, जहां पे जिस प्रकार का भी लैंड मास होगा वो टाइड्स को इंपैक्ट करेगा। मान लीजिए यहां पे एंट्री पे कोई बहुत बड़ा सा सैंड मार या आइलैंड होता तो ओवरऑल हाई टाइड में हो सकता है कि उस आइलैंड को पार करके पानी आगे निकल जाता, बट लो टाइड में वो आइलैंड पानी के एक्सेस को यहां पे ब्लॉक कर देता। तो समझ पा रहे ना बात को। तो ओवरऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस क्या है,
हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जो कि जमीन पे एग्जिस्ट करते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर जगह पे टाइड्स आएंगी नहीं आएंगी इस बात को अफेक्ट कर सकते हैं, कितनी आएंगी कितनी नहीं आएंगी, कितनी इंटेंस आएंगी कितनी इंटेंस नहीं आएंगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि वर्टिकल फोर्सेस क्या है टाइड्स के और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस क्या है। और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ जगह पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस थोड़े डेंजरस हो जाते हैं, जैसे नोवा स्कोशिया में ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस थोड़े डेंजरस हो जाते हैं। समझ गए बात को, डेंजरस कैसे हो जाते हैं? तो सिंपल सी बात आपको समझ में आ रही है कि फनल होने की वजह से ज्यादा वॉल्यूम का पानी को आगे सकरा रास्ता मिलेगा, तो जिसकी वजह से वो पानी हाइट में बढ़ जाएगा, पानी हाइट में बढ़ जाएगा तो क्या आ जाएगी, टाइड आ जाएगी। 14 से 16 मीटर ऊंची यहां पे टाइड आ जाती है। अब टाइड एकदम से आती है, एकदम से जाती है। चार टाइड्स एक दिन में आ रही है, एक दिन में होते हैं 24 घंटे, चार टाइड्स एक दिन में आ रही है। अब टाइड हाई टाइड भी होती है, लो टाइड भी होती है। तो चार टाइड्स एक दिन में आ रही है, तो एक हाई टाइड आएगी, फिर उसके 6 घंटे बाद लो टाइड आएगी, फिर उसके 6 घंटे बाद हाई टाइड आएगी, फिर उसके 6 घंटे बाद लो टाइड आएगी। तो इसी प्रकार से आप कह सकते हो एक दिन में चार टाइड्स आ रही, 24 घंटे में चार टाइड्स आ रही। अब यहाँ पे जो लोग घूमने जाते हैं उनको बहुत बच के रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि नोवा स्कोशिया के साइड से लो टाइड के समय पे हो सकता है कि आप इस तरफ से नीचे उतर जाओ। आप समझिए, ये सब जो अगल बगल का लैंड मास दिख रहा है ना, लो टाइड के समय पे क्लिफ की तरह दिखता है, लो टाइड के समय पे लैंड मास क्लिफ की तरह दिखता है। तो जब भी कभी आप बे ऑफ फंडी घूमने जाओगे और जब आप लो टाइड में घूमने जाओगे तो आपको कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। आप ऐसे स्ट्रक्चर्स देखोगे तो यहाँ पे बिल्कुल सपाट जमीन दिख रही है, तो आप ऊपर से नीचे बीच की तरफ उतरोगे, सपाट जमीन दिखेगी, आप इस पर टहलने लगोगे। लेकिन टहलते टहलते अगर डीले हो गया और सही समय पर वापस नहीं गए तो 6 घंटे बाद ही जो सीन होता है वो कुछ ऐसा हो जाता है। क्योंकि एक ही दिन में दो हाई टाइड और दो लो टाइड आ रही हैं, तो लो टाइड के समय पे कुछ आपको ऐसा नजर आएगा, तो आपको लगेगा कि यार चलो टहल के आते हैं ये तो बड़ा सेफ है, लेकिन वो सेफ नहीं है। क्योंकि घूमते घूमते अगर आप आगे निकल गए तो सही समय पे वापस नहीं लौट पाओगे, तो यहाँ पे जो गार्ड्स वगैरह हैं वो टाइम वगैरह बताते रहते हैं। तो भाई जाने के समय पे बहुत सोचना चाहिए, क्योंकि सही समय पे वापस नहीं आए तो आप अपने आप को कुछ इस पोजीशन में पा सकते हो। तो ये हाई टाइड और लो टाइड क्या एग्जाम्पल है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस समझ गए ना क्यों इंपॉर्टेंट हो गए, हॉरिजॉन्टल लैंडमार्क ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि सकरा होने के चलते, ये जो सकरापना है, इस सकरेपने के चलते पानी एकदम से आएगा, भर जाएगा, 14 से 15 मीटर उसकी हाइट बढ़ जाएगी, तो आप भाग नहीं पाओगे, आप वहां पे फंस जाओगे। ठीक है भाई, फिर कुछ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दे रखे हैं, इस फैक्ट को समझिए। द टाइडल बल्जेस ऑन वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ हैव ग्रेटर हाइट, वाइल्ड टाइडल बल्जेस हिट द मिड ओशनिक आइलैंड्स दे बिकम लो, द शेप ऑफ द बेस इन एस्टुअरीज अलोंग अ कोस्ट लाइन कैन ऑल्सो मैग्निफाई द इंटेंसिटी ऑफ टाइड्स, फनल शेप्ड बेस ग्रेटली चेंज टाइडल मैग्नीट्यूड, When the tide is channeled between islands or into bays in estuaries, they are called tidal currents. तो भाई देखिए, ये जो पर्टिकुलर लाइन है, द शेप ऑफ बेस एंड एस्टुअरीज अलॉन्ग अ कोस्ट लाइन कैन ऑल्सो मैग्निफाइड द इंटेंसिटी ऑफ टाइड्स, फनल शेप्ड बेस ग्रेटली चेंज टाइडल मैग्नीट्यूड्स, ये भाई मैंने अभी आपको समझाया। मैंने आपको बताया ना कि जो बे ऑफ फंडी है वहां पे फनल बनने के चलते पानी को सकरा रास्ता मिल रहा है, ज्यादा पानी घुसा था आगे, रास्ता सकरा मिल गया तो हाइट में बढ़ गया। तो ओवरऑल ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर्स हैं ये बहुत मैटर करते हैं। और जब दो आइलैंड्स के बीच में या फिर बेस या फिर किसी सकरे एस्चुरी के बीच में आपका टाइडल करंट, पानी टाइडल का घुसता है, तो उसको आप टाइडल करंट बोलते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, तो ये बेस और एस्चुरीज का क्या सीन है, तो आपको पता है कि भाई ये लैंड मास है, इस लैंड मास में छोटा सा डिप्रेशन हो गया, वो डिप्रेशन बहुत हल्के से आप कह सकते हो ओपनिंग से पानी के साथ जुड़ा, मतलब ओशन के साथ जुड़ा हुआ है, उसको आप लेगून भी बोलते हो, कभी कभी वो एस्चुरीज भी कहलाता है, उसके अंदर फ्रेश वाटर आके गिर रहा है। एस्चुरीज लैगून्स के बीच का फर्क मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बेसेस वाले के बारे में बात कर चुका हूँ। तो ओवरऑल इनक्लोज्ड वाटर्स में आप देखोगे कि ये टाइड्स कभी कभी बड़े सीवियर तरीके से काम करती हैं। और अगर कोई आइलैंड या फिर कोई या फिर बे या फिर कोई एस्चुरी, किसी बे में, किसी एस्चुरी में या किसी दो तीन आइलैंड के बीच में अगर सकरा रास्ता मिल जाता है, ज्यादा क्वांटिटी से पानी बहता है, तो एकदम से टाइडल करंट बहते हुए जाएंगे। तो ये जो पानी टाइड की वजह से सकरे रास्ते में तेजी से बहता है, इसको आप टाइडल करंट बोलते हो। समझ गया बात को। अब यहाँ पे एक और पॉइंट शुरू में दिया हुआ, द टाइडल बल्ज ऑन द वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स हैव ग्रेट हाइट, व्हेन टाइडल बल्ज हिट द मिड ओशनिक आइलैंड्स दे बिकम लो। आप समझिए बात को, मिड ओशनिक आइलैंड में कॉन्टिनेंटल शेल्फ ज्यादा बड़ी नहीं होती है। मिड ओशनिक आइलैंड कैसे बनते हैं मैंने आपको पहले ही बताया। समझिए, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट जब एक ओशनिक प्लेट से टकरा रही है तो ये बीच है, इसके बाद आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ आएगा, फिर स्लोप आएगा, फिर राइज आएगा, फिर अबाइसल प्लेन आएंगे। तो ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, जितनी बड़ी ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगी, तो
तो यहां पे जितनी बड़ी कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगी, देखिए यहां पे यही लिखा हुआ है, द टाइडल बल्ज ऑन द वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ हैव ग्रेट हाइट। तो जो टाइडल बल्ज होता है, जो वर्टिकल मूवमेंट होता है पानी का, वो वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ में आपको ज्यादा दिखेगा। उसका देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है, जब पानी की गहराई बहुत ज्यादा है वहां पे पानी का उठना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि उस पानी की गहराई बहुत ज्यादा, तो आपको ज्यादा गहराई होने की वजह से पानी बहुत ज्यादा उठा नहीं दिखेगा। लेकिन कॉन्टिनेंटल शेल्फ जब ज्यादा बड़ी होती है, तब इसमें क्या होता है कि शैलो डेप्थ पे आपका पानी रहता है, तब जब आपकी टाइड आएगी ना, तो वर्टिकली वो पानी बहुत ऊपर उठता दिखेगा। इसीलिए आप देखोगे कि वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो बहुत ज्यादा चौड़ी होती हैं, वहां पे शैलो डेप्थ पे पानी होता है, होता है ना 30 मीटर से 600 मीटर की शैलो डेप्थ पे होता है। तो ये पानी किसी टाइड के दौरान बहुत ज्यादा ऊपर उठता दिखेगा, उसकी जो टाइडल बल्ज होगी वो बहुत बड़ी होगी। डीप सी ओशंस में जो टाइड्स आती हैं वो उतनी बड़ी नहीं होती है, क्योंकि डीप सी ओशन में बहुत गहराई होती है पानी को अकोमोडेट करने के लिए, तो वो टाइड्स उतनी ऊपर उठते समझ नहीं आती। लेकिन अगर कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत बड़ी है, तो उस कॉन्टिनेंटल बड़ी शेल्फ में शैलो डेप्थ्स पे बहुत सारा पानी अवेलेबल है, और वो टाइड्स के दौरान बहुत ऊपर जाएगा। वहीं पे अगर आप मिड ओशनिक आइलैंड की बात कर लो, तो मिड ओशनिक आइलैंड में क्या होगा कि आसपास गहरा समुंदर ही होगा, वहां कोई बहुत बड़ी देखिए कॉन्टिनेंटल प्लेट तो है नहीं। मिड ओशनिक आइलैंड ज्यादातर कोरल आइलैंड्स होते हैं, एटॉल्स होते हैं, तो इस प्रकार के आइलैंड्स में जो टाइड्स आती है ना, वो टाइड हार्डली एक मीटर बड़ी होती है, ये टाइड्स ज्यादा बड़ी नहीं होती, क्योंकि उनके अगल बगल में डीप ओशन है, और डीप ओशन में टाइड्स का पानी बहुत ऊपर नहीं चढ़ता है, क्योंकि पानी को अकोमोडेट करने के लिए बहुत गहरी डेप्थ्स है। हाँ, अगर कहीं बहुत लंबी सपाट जमीन हो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जैसी, जिसके ऊपर शैलो पानी हो, तो शैलो पानी में, कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाले शैलो पानी में जब टाइड यानी ग्रेविटेशनल इंपैक्ट आता है मून का, सन का, तब भाई टाइड बहुत ऊपर उठती है। लेकिन जो मिड ओशनिक आइलैंड है उनकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ तो इतनी डेवलप होती नहीं है। इन मिड ओशनिक आइलैंड के थोड़ा ही आगे जाओ तो बिल्कुल डीप ओशन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जब डीप ओशन शुरू हो जाता है, और डीप ओशन में वैसे भी टाइड्स बहुत ज्यादा नहीं आती है, लेकिन शैलो जो इलाके होते हैं जैसे कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है, वहां टाइड बहुत ज्यादा आती है। इसीलिए यहां पर बताया जा रहा है कि जहां पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत ज्यादा बड़ी है, वहां पे टाइडल बेंच की हाइट भी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि शैलो डेप्थ पे पानी है वो बहुत ऊपर उठेगा, डीप ओशन का पानी बहुत ऊपर नहीं उठता है। मिड ओशनिक आइलैंड्स के चारों तरफ आपको डीप ओशन मिलेंगे, वहां कोई बड़ी कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपको मिलेगी नहीं, इसलिए मिड ओशनिक आइलैंड में जब टाइड्स आएंगी वो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगी। गॉट इट? तो ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी कि भाई टाइड्स कहां पे किस प्रकार की आती हैं। अब हम लोग टाइप्स ऑफ टाइड्स की बात करेंगे, और टाइप्स ऑफ टाइड्स में सेमी डायरनल, नीप टाइड्स, डायरनल टाइड्स, स्प्रिंग टाइड्स, ये सब हम लोग यहाँ पे समझ लेंगे एक पर्टिकुलर वीडियो में। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ टाइड्स बता के मैं इस पर्टिकुलर चैप्टर को, मतलब इस टाइड वाले टॉपिक को खत्म कर दूंगा। वी विल मूव ऑन टू ओशन करंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, ज्वाइन बटन दबा के अगर आप हेल्प कर सकते हैं डेफिनेटली हेल्प करिए, ज्वाइन बटन नहीं दबा सकते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर डेफिनेटली करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। जितना ज्यादा लोगों के साथ आप वीडियो को शेयर करोगे उतनी आप मेरी मदद करोगे। गुरु दक्षिणा देनी तो ये दे सकते हैं, harshdwivedi.com पे जाकर डेली बेसिस पर आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए अगर फॉलो करना चाहें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।